अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू एडीएम स्किल्स। आज हम सीखेंगे कि हम अपने वेबसाइट पे गैलरी, इमेज गैलरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने प्लगइन्स में जाएंगे। प्लगइन्स में जाने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे फोटो गैलरी। तो फोटो गैलरी जैसी आएगी आपके पास, ये आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट आप जैसी करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक फू गैलरी के नाम से एक मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। तो आप गैलरीज में जाएंगे। याद रखिए कि जो प्लगइन आप डालेंगे आपने उसे एक्टिवेट ज़रूर करना है। तो ये देखें जी, ये हम ऐड गैलरी में गए। एक गैलरी में जाने के बाद हम यहाँ पे करते हैं ऐड फ्रॉम मीडिया प्लेयर। हम अपने मीडिया प्लेयर से कुछ इमेजेस, अपने सिस्टम से कुछ इमेजेस हम अपलोड करेंगे। ये देख लें, ये इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो ये चार इमेजेस को मैंने सेलेक्ट किया। ये देखें जी, ये अपलोड हो रही है मेरी इमेजेस। ये जैसी अपलोड होंगी तो हमें यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐड मीडिया। ऐड मीडिया पे हम क्लिक करेंगे। ऐड मीडिया में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे टाइटल डालेंगे कि हमारा जो भी पेज होगा उसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जस्ट सपोज आवर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स करने के बाद आप इसे पब्लिश करेंगे। आप यहाँ पे इस इमेजेस को रिमूव भी कर सकते हैं और इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम नीचे आए इसकी बात करें तो यहाँ पे आके आप इसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं कि आपको वन कॉलम में शो हो, टू कॉलम्स में शो हो, थ्री कॉलम्स में शो हो। इसी तरह थंबनेल लिंक्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम यूआरएल डालना है इमेज में, अगर आपने कोई लिंक डालना है तो वो आप यहाँ से आके लिंक डाल सकते हैं। थंबनेल साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। हमने इसको डिफ़ॉल्ट 150 150 किया हुआ है, हम इसे अपडेट कर देते हैं। ये देखें जी, ये हम अपनी गैलरी का प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि हमारी गैलरी किस तरीके से शो ऑफ होगी। ये देख रहे हैं इमेजेस कुछ छोटी बड़ी हैं, लेकिन आप जब भी अपनी गैलरी में इमेजेस डालेंगे तो आपने उसका साइज़ सेम रखना है। अगर आप सेम रखेंगे तो आपकी इमेजेस सेम एक जैसे साइज़ की शो होंगी। ये देखें जी, ये क्रिएट गैलरी पेज हमने कर दिया। अभी यहाँ से हमारी गैलरी क्रिएट हो चुकी है आवर प्रोजेक्ट के नाम से। ये यहाँ पे एडिट है, ये व्यू है। व्यू पे जब हम अपनी इमेजेस को, अपनी गैलरी को ओपन करेंगे तो ये देखें जी, ये हमारी इमेजेस ओपन होगी। ये इस तरीके से हमारी इमेजेस ओपन होंगी। आप इसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये देखें जी, ये हमारा ओवर प्रोजेक्ट के नाम से एक बन चुकी है। इसी तरीके से एक पहले से हमने बनाई भी है, अगर मैं आपको वो दिखा दूँ। अपनी गैलरीज में आपने जाना है। गैलरीज में जाने के बाद आप ये देखें, ये माय प्रोजेक्ट्स के नाम से भी एक गैलरी ऑलरेडी बनी हुई है। तो हम इसे माय व्यू में जाते हैं। माय प्रोजेक्ट्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये गैलरी आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ से जाके आप व्यू में, व्यू में ओपन न्यू टैब, न्यू टैब ओपन जैसे ही करेंगे ये देखें, ये आपके पास इमेजेस आ गए। आप इसे जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं, जैसे आप अपने इमेजेस को यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। सी यू सून।